शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मारा थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई। दोस्तों, मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फिर से कोर्ट में सुनवाई है। दोस्तों आपको बता दें कि जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है तब से सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को हिरासत में थप्पड़ मारा है। और इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान शाहरुख खान भी फोन के जरिए लाइन पर थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई में आर्यन खान को थप्पड़ मारा गया है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।